नमस्कार। मोदी 3.0 यानी कि मोदी सरकार का तीसरा टर्म जो है शुरू हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह हो गया और शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद खास तौर से नजर था कि जो अलायंस में यानी कि इंडिया गठबंधन में जो लोग भी सपोर्ट किए थे उनको क्या सम्मानजनक पद मिलता है, कौन सा मंत्रालय मिलता है। खैर, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन जो लोगों ने शपथ ग्रहण लिया है उस पर बात करना जरूरी है। खास तौर से हम बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में माननीय नीतीश चाचा को लेकर के, बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के काफी गहमा गहमी थी जब से, यानी कि 4 को रिजल्ट आया था तब से लेकर के अभी तक। और बिहार की तरफ से कुल 8 मंत्रियों ने कल शपथ लिया, जिसमें 4 केंद्रीय और 4 राज्य प्रभार मंत्री। तो इसमें 4 में आपको बताएं तो एक जदयू कोटे से ललन सिंह, उसके बाद से बीजेपी के कोटे से गिरिराज सिंह, हम के कोटे से एक ही सांसद है जीताराम मांझी, और एलजेपी आर के तरफ से यानी कि रामविलास के तरफ से चिराग पासवान। वहीं राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री में कहा जाए तो बीजेपी से 3 आए, जिसमें नित्यानंद राय, राजभूषण निषाद, उसके बाद से जदयू के कोटे से एक बीजेपी के कोटे से सतीश चंद्र दुबे जो कि राज्यसभा के सांसद है, और जदयू के कोटे से जो राज्यसभा के सांसद है रामनाथ ठाकुर जो कि भारत रत्न से सम्मानित, वो इनको भारत रत्न दिया गया, जिसकी एवज में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मंत्रालय का प्रभार इनको मिला है, यानी कर्पूरी ठाकुर के लड़के रामनाथ ठाकुर। तो ये स्थिति है। अब सवाल वही है, क्या जिस चीज की मांग बहुत पूर्व से होती आ रही है, उस समय भी रेल मंत्री नीतीश बाबू थे जब अटल जी की सरकार थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज आखिर में कब मिलेगा। अब तो अच्छा मौका है, 4 मंत्री इधर 4 उधर, यानी कि टोटल हो गए 8। 8 मंत्री जब बन चुके हैं तो 8 बनने के बाद लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा मौका है। और मुझे लगता है कि बीजेपी यानी एनडीए को, चाहे वो चिराग हो, चाहे वो जीतन मांझी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, या फिर सम्राट चौधरी हो, जो भी बिहार के कर्ता धर्ता एनडीए के ये लोग हैं, इन लोगों को विशेष रूप से आवाज उठा करके बिहार की आम आवाम के प्रति ध्यान रखते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहिए। दूसरे चीज की बिहार को पलायन मुक्त करना चाहिए, यहाँ पे टूरिज्म लाना चाहिए जिससे रोजगार मिलेगा, यहाँ पे कंपनियां लाना चाहिए, यहाँ पे उद्योग बैठाने चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ETC, ये सब चीजें लानी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं उद्योग बढ़ेगा, शिक्षा में विस्तार होगा। तो ये सब चीजों पे अब माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को ध्यान देना चाहिए, और बिहार के आम आवाम आपसे आस अपेक्षाएं लगाई है कि शायद आप बने हैं और कहीं ना कहीं आप गठबंधन में गए हैं, आप एनडीए के हिस्सा हैं, तो शायद ये सब चीजें पूरी हो पाएगी। दूसरी चीज आपको बताएं तो कल टोटल यानी कि प्रधानमंत्री इंक्लूडेड 72 लोगों ने शपथ लिया, जिसमें 60 लोग 2019 में टोटल मंत्री जो थे, चाहे केंद्र के हो चाहे स्वतंत्र प्रभार राज्य स्वतंत्र का हो, टोटल 58 थे, और वहीं 2014 में टोटल आपके 48 थे, टोटल 48 थे, और 2019 में 58 होते हैं, लेकिन 2024 में यही बढ़कर के 72 हो जाते हैं प्रधानमंत्री को लेकर के, जिसमें से 11 जो है वो 11 नहीं 12, 12 जो है वो इंडिया एनडीए अलायंस के जो हिस्सेदार यानी 11 पार्टी है उनके लोग हैं, 12 लोग, जिसमें 2 जदयू से, 2 TDP, 1 हम, 1 चिराग, ऐसे करके हैं, 1 शिवसेना, सिंधे गुट, अपना दल, अनुप्रिया का पटेल का, ऐसे करके ये लोग 12 लोग हैं। और उस 12 लोगों में यानी कि पिछले सरकार के मुताबिक 2 ऑलरेडी बीजेपी ने अपने मंत्रालय बढ़ा लिया, 2 मंत्री बढ़ा लिया, 58 थे अब 60 हो गए, तो 2 इन्होंने बढ़ा लिए, 12 इनके हो गए, यानी कि टोटल हो गए 72। अब 72 होने के बाद सोचिए क्या हिस्सेदारी, क्या चीज है आने वाले टाइम में, 5 साल में ये सख्त बनाने की बात कर रहे हैं, 5 साल का इन्होंने रोड मैप तैयार कर लिया है, 5 साल में पूरा देश को विकास में ले जाएंगे,
और 5 साल में देश की ऊंचाई जो है बहुत आसमान तक चली जाएगी। अब पता ना महंगाई की जाएगी, बेरोजगारी की जाएगी, किस चीज की जाएगी, ये देखने वाला विषय है। लेकिन विशेष चीजें मैं बिहार की जनता की तरफ से अपील करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि माननीय नीतीश कुमार जी प्लीज, आप और चिराग पासवान जो कि युवा बिहारी चिराग लिखते हैं, पासवान चिराग पासवान लिखते हैं, युवाओं की आवाज कहते हैं, खैर है भी युवा, तो आपको मुझे लगता है कि बिहार के युवाओं के प्रति स्नेह आभार प्रेम है, तो कहीं ना कहीं आवाज उठाकर कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहिए, बिहार से पलायन को रोकना चाहिए, बिहार में उद्योग लाने चाहिए, बिहार को आगे बढ़ाने में आपका योगदान होना चाहिए, क्योंकि आपको 5 सांसद 100 में 100 आपने किया है, ये काफी है। मुझे लगता है कि 100 में 100 किया है आपने पूरे मतलब देश में, तो 100 में 100 करने का नतीजा होना चाहिए कि 100 में 100 बिहारियों को उसकी सफलता मिलनी चाहिए, और बिहार के लोगों को आपसे आशा अपेक्षाएं माननीय नीतीश कुमार जी से है कि शायद आप लोग इन चीजों इन बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाता है तो बिहार अपनी ऊंचाइयों पे आगे जाएगा, और युवाओं को काफी आप लोगों से आशा अपेक्षाएं रहेगी कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो कह रही है लोग बार बार कि एनडीए जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा भी लड़ेगी, तो बिहार विधानसभा से पहले शायद ये पैकेज आप लोग दे दे तो हो सकता है पुनः आपके ऊपर बिहार की आम आवाम भरोसा कर सके। और ये बात विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी कह रहे हैं कि अब तो नीतीश जी हमारे चाचा एनडीए के हिस्सा हैं, तो अब शायद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार से पलायन, इन सब चीजों की मांग होगी और ये सब चीजें मिलेंगी। खैर सरकार बनी है, नई नवेली सरकार है, और सरकार को हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां कि ये सरकार पूरे 5 साल तक चले, सही से चले, सुदृढ़ होकर के चले, और अच्छे ढंग से बिहार का विकास के साथ साथ देश का विकास करें, और आने वाले टाइम में शायद बिहार कहीं बदल जाए, ये देखने वाला विषय रहेगा। खैर चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, क्या नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पलायन एवं अन्य मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे और बिहार को रोकने का काम करेंगे। जय हिंद।